गाइस वेलकम टू द पाकिस्तानी ब्रोज रिएक्शंस। मेरा नाम वजाहत है। मैं हूं मुबशिर। सो गाइस आज की वीडियो का टाइटल जो है वो है बहुत इंटरेस्टिंग। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है भारत ने ऐसा मिसाइल बना दिया जिसका चीन ने कभी सोचा नहीं था, इंडिया कैट हंटर मिसाइल है। ये कौन सा है कैट हंटर? ये तो मैं मतलब कब बनाया इंडिया ने? बिल्लियों का हंटर, मतलब बिल्लियां चाइना को शायद बोल रहे हो सकता है। वैसे भी बिल्लियां ही लगती है, मतलब चीनी जो चीनी है। तो शी जिनपिंग को कैट बोला होगा। काउंट ऑन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। या ना किसी भी देश की सेना या वायुसेना या फिर नौसेना, इनके ताकत की असल वजह होती है। किसी देश की सेना के पास अगर मिसाइल तकनीक ना हो तो वह किस हद तक कमजोर होगी, यह बात शायद आप अच्छे से जानते हो। किसी देश की सैन्य शक्ति में मिसाइल कितनी महत्व रखती है, आप इस बात से अंदाजा लगा लो कि इजराइल ने 6 दिन के युद्ध में एक साथ कई अरब देशों को हरा दिया था। वह ऐसा इसलिए कर पाया था क्योंकि उसके वायुसेना में कई तरह के मिसाइल मौजूद थी, जिस कारण वह अपने एयरक्राफ्ट से अपने दुश्मनों पर भयंकर गोलाबारी करता था। इजराइल ने 6 दिनों में इतनी तबाही मचाई कि इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन आदि देश 6 दिनों में ही भाग खड़े हुए। अच्छा। और इजराइल ऐसा कर पाया था क्योंकि इजरायली वायुसेना के पास एक से बढ़कर एक घातक मिसाइलें मौजूद थी। बिल्कुल, और ये भी इनके पास है टेक्नोलॉजी। अगर हमें 2 या 3 देशों को एक साथ हराना है तो अपने फाइटर एयरक्राफ्ट और उसमें लगने वाले मिसाइलों को जबरदस्त बनाना होगा। इसलिए भारत एक ऐसा मिसाइल बनाने वाला है जिसके जैसा ना तो किसी देश के पास मिसाइल है और ना ही कोई देश इस जैसे मिसाइल को बनाने के बारे में सोचा होगा। दोस्तों हम बात कर रहे हैं कैट हंटर मिसाइल की। यह मिसाइल अपने आप में एक उन्नत और खास तकनीक वाला मिसाइल होने वाला है। दोस्तों इस मिसाइल का 2 वेरिएंट होने वाला है, जिसका दूसरा वेरिएंट और भी घातक और शानदार होगा। कैट हंटर मिसाइल के नाम को समझे तो इसका पूरा नाम कॉम्बैट एयर ट्रेन सिस्टम है। इस मिसाइल के कैट बोल रहे हैं, पहले वेरिएंट की पेलोड कैपेसिटी 200 kg का होगा, तो वहीं दूसरे वाले वेरिएंट की पेलोड कैपेसिटी 600 kg का होगा। जाहिर सी बात है जो 200 kg पेलोड वाला मिसाइल होगा उसे छोटे फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे तेजस, मिराज आदि पर लगाया जाएगा। अच्छा। यह मिसाइल छोटा क्रूज मिसाइल होगा, लेकिन बताया जा रहा है कि टारगेट पर हिट करने की इसकी कैपेसिटी और मिसाइलों से काफी अधिक होगी। अच्छा। वही 600 kg वाला कैट हंटर मिसाइल पहले वाले मिसाइल से कहीं ज्यादा अधिक एडवांस होगा। इस जैसा मिसाइल आज तक कोई भी देश नहीं बना पाया है। नहीं बना सका। इस मिसाइल की खूबियों के बारे में जानेंगे तो यकीन मानिए आप भी चौंक जाएंगे। कैसी है? यह मिसाइल क्रूज मिसाइल जैसा हमला करने में सक्षम तो होगा ही, साथ ही यह उड़ता फिरता ड्रोन्स के लिए सवारी गाड़ी होगा। आसान शब्दों में समझे तो यह मिसाइल अपने साथ स्वार्म ड्रोन को ले जाने की क्षमता रखेगा। अच्छा, वो जो ड्रोन बनाए छोटे छोटे ड्रोन्स होंगे जो टारगेट के आस पास पहुँचते ही मिसाइल से बाहर निकल जाएंगे और टारगेट के पास तितर बितर होकर खुद को विस्फोट कर लेंगे। डिफेंस टावर के काम पे भी आएगा कि अब तक ड्रोन्स अपनी ही गति से दुश्मन तक पहुंच पाते थे, मगर इस मिसाइल के आ जाने के बाद इन ड्रोन्स को टारगेट तक क्रूज स्पीड से पहुंचाया जा सकेगा, जिससे फायदा यह होगा कि अगर कभी हमारा किसी देश के साथ युद्ध हो रहा हो तो ऐसी स्थिति में इस मिसाइल के जरिए छोटे छोटे ड्रोन जिसमें विस्फोटक लगा होगा उन्हें काफी तेज गति से दुश्मन के ऊपर या दुश्मन के बेस कैंप के ऊपर लॉन्च किया जा सकता है। लॉन्च होते ही यह ड्रोन मधुमक्खियों की तरह दुश्मनों पर टूट पड़ेंगे और खुद को विस्फोट कर लेंगे। मतलब आप यकीन मानिए हैरान रह जाएंगे। मान लो भारत पाकिस्तान या भारत चीन के बीच युद्ध हो रहा हो, हमारी नेवी हिंद महासागर में मोर्चा संभाले हुए है, तभी समुद्र से चीनी नौसेना एक मिसाइल लॉन्च करती है। अच्छा। जिसका टारगेट भारत का कोई शहर है। लॉन्च किए हुए मिसाइल को गश्त कर रही हमारी नेवी डिटेक्ट कर लेती है, वह उस मिसाइल को समुद्र में ही मार गिराना चाहती है। ऐसे में हमारी नेवी के पास कैट्स हंटर मिसाइल भी एक ऑप्शन हो सकता है। अच्छा। जिससे चीनी मिसाइल को समुद्र में ही मार गिराया जा मतलब सकता है। मतलब मार देंगे वो, पता वो है कि अपने साथ ड्रोन्स को ले जाने की क्षमता रखे मिसाइल के रास्ते में ड्रोन्स को लॉन्च कर देगा। यह ड्रोन्स इतने सारे होंगे कि चीनी मिसाइल किसी न किसी ड्रोन्स में टकराकर रास्ते में ही विस्फोट कर जाएगा। इस मिसाइल का दूसरा सबसे बड़ा फायदा, इस मिसाइल का इस्तेमाल स्ट्राइक में भी किया जा सकेगा। हम सबको पता है कि पुलवामा हमले की जवाबी कार्रवाई के समय हमारा पायलट पाकिस्तान में फंस गया था, जिसकी जान को काफी ज्यादा खतरा था। कैट सेंटर आने के बाद भारत बड़े ही आसानी से स्ट्राइक कर सके, वो भी बिना अपने पायलट के जान को खतरे में डाले। मान लो भारत को पाकिस्तान के अंदर आतंकियों के कैंप को तबाह करना है, ऐसे में भारत अपने एयरक्राफ्ट से बॉर्डर के नजदीक से नजदीक जाकर कैट्स हंटर मिसाइल को फायर कर देगा। यह मिसाइल फायर होने के बाद आतंकियों के ठिकाने के पास जाकर ड्रोन्स लॉन्च करेगा और यह ड्रोन्स उन पर मधुमक्खियों की तरह टूट पड़ेंगे। इसके अभी पिछले दिनों परीक्षण भी हुए हैं। स्वार्म टैंक
इसका नाम रखा है। दोस्तों आप समझ गए होंगे कि चीन और पाकिस्तान को जवाब देने के लिए हमारे वैज्ञानिक कितने मेहनत करते हैं और ऐसे ऐसे हथियार बनाते हैं यार, फाइट हो ही नहीं तो अच्छा शामिल होने के काबिल होती है। और तो हर किसी के पास कोई न्यू टेक्नोलॉजी होती है। अगर आपको भी चीन को जवाब देना हो तो आप भी चीन को आर्थिक रूप से कमजोर करके जवाब दे सकते हैं। मोदी जी ने चीनी ऐप टिकटॉक को काफी दिन पहले ही बैन कर दिया था, जिससे चीन को काफी नुकसान हुआ है। अगर आप भी चीन को जवाब देना चाहते हैं तो आप भारत का बना ऐप इस्तेमाल करें। हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ऐप का लिंक दे दिया है जो भारत में बना भारत का टिकटॉक है, तो आप इस ऐप को इंस्टॉल जरूर करें और अपने दोस्तों को भी इंस्टॉल करने को बोलें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी के साथ ये वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो यार क्या कमाल की वीडियो थी। मतलब कैट इसका मतलब फुल फॉर्म, मतलब ये किसी और ने आज तक नहीं बनाया। नहीं बना। बाकी मैंने आज तक ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं सुनी जो मतलब ड्रोन को साथ लेके, मतलब ड्रोन काफी स्लो जाते हैं तुझे पता है। वो तो जाएंगे जाएंगे काम हुआ आगे बिल्कुल, तो ये वाला ऐसा मिसाइल होगा फौरन पहुंचाएगा ड्रोन को उधर छोड़ देगा। ये पूरा एक जमकट्टा उधर निकलेंगे तो कोई ना कोई तो अटैच होगा काफी यूनिक तरह का ये कॉन्सेप्ट नजर आया और ये अभी बनना स्टार्ट हो गया। वो मतलब स्टार्टिंग में जब स्वार्म्स ड्रोन्स की बात हो रही थी ना, तो जब हमने देखा हमने कहा यार ये तो इम्पॉसिबल टाइप लग रहा है, लेकिन इम्पॉसिबल इन लोगों ने पॉसिबल भाई इंडिया इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना इंडिया मतलब जानता है। ये कोई और यार मतलब इस तरह की खाली स्वाम ड्रोन टेक्नोलॉजी मैं समझे था खाली यहाँ तक महदूद इंडिया रहेगा, लेकिन आगे की इंडिया सोच आगे मतलब की उन ड्रोन को सही तेजी से आगे लेके जाना है। कभी उन लोगों ने निकाल लिया ना, हाल निकाला हुआ है मतलब यार कहाँ सोच रहा है ये, तो मैं भी खुद सोच रहा हूँ मिसाइल के अंदर कैसे आएंगे यार ड्रोन। मैं तो ये सोच यार मतलब तरीका होगा ना यार, थोड़ा मोटा मोटाई में मोटा होगा, पहले थोड़ा गोल मोटा होगा जिसमें इजी से काफी सारे ड्रोन आ जाएंगे बिल्कुल, और 600 किलो वजन होगा तो फिर खुद सोच आ ही जाएगा बिल्कुल। और एक ड्रोन हल्का सही तो होता है, इतना सा होता है ड्रोन। हाँ ये भी तो है मतलब पर मार खोल के तो थोड़ा बड़ा हो जाता होगा। लेकिन यार आफरीन डीआरडीओ पे कि वो इस तरह के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करके अपने देश की चीजों को आगे लेके जा रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कमाल है डीआरडीओ पे। बिल्कुल। सो गाइस आप इसके बारे में क्या कहते हैं अपनी राय में कमेंट सेक्शन में दें। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।